हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का नया सेशन शुरू करने वाले हैं जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे एवरेज। स्टूडेंट, कल के सेशन में हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स की जो है वो बहुत गलत फीडबैक्स आई थी, है ना। उन्हें कुछ इश्यूज थे कि हमें जो वो इंग्लिश में मैथ्स पढ़ाया जाए, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट थी कि हमें हिंदी में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आज हमने कोशिश की है कि हम दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, ठीक है, और कमेंट्स करिए कि हमें किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज हम अपना सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, ठीक है। एवरेज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं औसत। अब एवरेज चीज क्या है, ठीक है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमने ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए, है ना, एक क्रम में। तो इन नंबर्स की एवरेज कैसे निकालेंगे हम। इन नंबर्स को ऐड कर देंगे हम। ये नंबर्स ऐड हो गए। अब हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है इन नंबर्स की एवरेज आ जाएगी। इनको ऐड करके आएगा 5 एंड 4 9, 9 एंड 3 12, 12 एंड 2 14 एंड 1 15, ठीक है। तो इन 5 नंबर की एवरेज कितनी आ गई आपके पास, 5 1 5 5 3 15, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं कि आपके पास टोटल जितने एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है, जितने नंबर्स दिए हैं उनको आपने आपस में ऐड करना है ना, और जितने नंबर्स हैं उससे आपने क्या कर देना, उनको डिवाइड कर देना। ये सबसे बेसिक मेथड होता है एवरेज को निकालने का, ठीक है। अब हम कुछ की पॉइंट्स जो वो एवरेज के सीखेंगे। जैसे फर्स्ट है कि एवरेज ऑफ एन मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर्स। कि हमारे पास सपोज कोई नंबर है 7, सेवन हमारे पास कोई नंबर्स है, उसके एन नंबर ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं। सपोज एक्स ले लिया हमने, एक्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। 7 हमारे पास कोई नंबर है, इसके मल्टीपल्स आ गए 5। जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं, ठीक है, उसकी आपको क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन से होंगे, ठीक है, हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं आप, गुणक, ठीक है। 7 के जो फर्स्ट 7 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28 एंड 7 5 35। ये 5 जो 7 के पहले जो है मल्टीपल्स, ठीक है। अब इन 5 मल्टीपल्स का अगर आपने एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, इन 5 के 5 मल्टीपल्स को ऐड करोगे, फिर उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो उसमें जो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक मेथड है हमारे पास कि जिस नंबर जो हमने नंबर लिया x, ठीक है, x को लिख दिया ऐसे, हाँ? जितने मल्टीपल्स है, एन नंबर ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीपल्स कितने हमारे पास 5, प्लस में आपने कर देना 1, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना आपने 2 से, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप कितने भी मल्टीपल्स दिए हों किसी भी नंबर के, तो आप उसकी एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज हमारे पास नंबर क्या है, 7 है। कितने मल्टीपल्स चाहिए हमें, 5 मल्टीपल्स, ऐड कर दिया हमने 1, डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 3 6, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 7 3 21। तो 7 के पहले 5 मल्टीपल्स का जो एवरेज आया आपके पास वो है 21, ठीक है। बेसिक मेथड से आप करते चलते तो 35 को आप 28 से ऐड करते, फिर 21 से ऐड करते, फिर 7 से ऐड करते, फिर 14 से ऐड करते, ठीक है, उनका एडिशन करते, फिर 5 से डिवाइड करते, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाए, मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, तो इसलिए हमने ये वाला मेथड यूज़ करना है। अगर आपको इस तरह कोई क्वेश्चन आता है कि आपने किसी पर्टिकुलर नंबर्स के कितने मल्टीपल्स हैं उनकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, जो
प्राकृतिक नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से और चलते हैं अप टू इन्फिनिटी तक। तो सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने जो है वो फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, फर्स्ट 30 पहले 30 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। बेसिक मेथड से चलोगे तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 और अप टू 30 इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, फिर 30 से डिवाइड करोगे, हाँ, तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास एक मेथड रहता है कि हमने सपोज 30 का निकालना है, 30 नेचुरल नंबर्स का, तो 30 प्लस में 1 और डिवाइड कर देना आपको 2 से, 30 प्लस 1 31 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करोगे 15.5, ये जो है फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का एवरेज आ गया आपके पास, ठीक है। यहां से एक फॉर्मूला क्या बनता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो पहले n प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, उनका आपने एवरेज निकालना है, उनका औसत निकालना है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये फिर से वही आ गया, स्लाइड रिपीट हो गई है। नेक्स्ट है कि एवरेज ऑफ n इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, सम संख्याएं, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, सम संख्याएं। सम संख्याएं होती क्या है, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ये हम बोल सकते हैं, जो दो से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो संख्याएं जो है दो के टेबल में आती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं हमारे पास, सम संख्याएं, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारी क्या हैं, सम संख्याएं हैं, है ना। अब आपको बताया गया कि फर्स्ट एन इवन नंबर्स का आपने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि आपने पहली 15 सम संख्याओं का औसत निकालना है, पहली 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जितनी सम संख्याओं की आपने औसत पूछी है उसमें आपने सिर्फ एक ऐड कर देना है ना, और वो जो आंसर आएगा वो सम संख्याओं का औसत हो गया आपका, ठीक है। सिंपल सा तरीका है। अगर बेसिक मेथड से चलोगे आप तो पहली 15 सम संख्याएं कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे करके आगे तक, ठीक है। उनको आप ऐड करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे 15 से, है ना, तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आपने इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है, एन प्लस 1, ये फॉर्मूला है पहली जो है वो सम संख्याओं का योग निकालने का या औसत निकालने का, ठीक है, योग नहीं सॉरी औसत निकालने का। नेक्स्ट एवरेज ऑफ एन ओड नंबर्स, ठीक है। ओड नंबर्स क्या होती हैं, विषम संख्याएं। जिन्होंने हिंदी में मैथमेटिक्स पढ़ा है उन्हें पता है कि ओड नंबर्स क्या होती है हमारे पास, विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, है ना। सपोज बात करें हम तो 1 एक विषम संख्या है, ये दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। 3 जो है वो एक विषम संख्या है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होती है। इस तरह एक सीरीज चलती जाएगी, है ना, 5, 7, 9, है ना, इस तरह से पूरी सीरीज एक ऑड नंबर्स की। जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो इवन नंबर्स, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स, ठीक है। तो अगर आपके पास बोला गया है कि आपको एन नंबर्स, एन ऑड नंबर्स की एवरेज निकालनी है, एन विषम संख्याओं का आपको औसत निकालना है, तो आप औसत कैसे निकालोगे, ना, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपको 20 विषम संख्याओं का, ठीक है, पहली 20 विषम संख्याओं का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो उसका एवरेज जो है वो 20 ही होगा, ठीक है। सिंपल सा मेथड है कि 20 संख्याओं का अगर आपको औसत निकालना है तो वो 20 ही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि एवरेज ऑफ इवन नंबर्स टिल एन, ठीक है। एवरेज ऑफ इवन नंबर्स टिल एन, अगर आपने एवरेज निकालनी है इवन नंबर्स की, है ना, एन तक। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपने
53 कोई नंबर दिया गया है, आपने बोला कि 53 से पहले, ठीक है, 53 से पहले जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका आपने क्या निकालना है, औसत निकालना है, उनका आपने एवरेज निकालना है। तो 53 से पहले कितनी सम संख्याएं हैं, है ना, वो काउंट करोगे आप पहले, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करोगे आप कि कितनी सम संख्याएं ही हैं उनसे आप डिवाइड करोगे, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने पहले देखना है कि 53 से पहले जो सबसे 53 से पहले कौन सी जो है सम संख्या थी, तो 53 से पहले की सम संख्या कौन सी है, 52। 52 क्या है, 3 से पहले की सम संख्या, उसको क्या करना है आपने 2 से डिवाइड कर देना है और उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 26, प्लस 1 कर दिया कितना आ गया 27। बोलने का मतलब ये है कि 53 से पहले, 53 से पहले जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उनका औसत या उनका एवरेज कितना है हमारे पास 27 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये आप बैक स्लाइड देखिए, ये क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ एन इवन नंबर्स, एन इवन नंबर्स, इसमें आपको इवन नंबर्स बताए होंगे कि पहले 5 इवन नंबर्स, ठीक है, पहले 5 इवन नंबर्स, तो हमारे पास पहले 5 इवन नंबर कौन से होंगे, देखना कैसे डिफरेंशिएट करना आपने पीछे को और इसको, ठीक है, पीछे वाली स्लाइड में जो आपने एन नंबर्स का एवरेज निकाला था और इसको आपने कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, उसमें बताया कि पहले 5 संख्याओं का आपने क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो पहली 5 सम संख्याएं कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, ये पहली 5 जो है वो सम संख्याएं हैं, इनका एवरेज कैसे निकालोगे आप, 5 प्लस 1, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा 6, है ना। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 से पहले, ठीक है, कोई नंबर है आपका 5 से पहले जो जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना होगा, तो 5 से पहले सबसे छोटी कौन सी आती है, सबसे बड़ी 4, ठीक है, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 आपने ऐड कर दिया। ये मेथड कहाँ लगेगा आपका, जब आपसे ये पूछा गया कि एवरेज ऑफ एन इवन नंबर्स आपको बताना है, ठीक है, और ये दूसरा जो है जब आपको बताया कि एवरेज ऑफ इवन नंबर्स टिल एन, कोई आपको पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया है कि इस नंबर से पहले की जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका आपको औसत निकालना है, तो कैसे निकालना है, जैसे इसमें बताया कि 5 सम संख्याएं हैं, तो हमने 5 सम संख्याएं ले ली पहले 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये पहली 5 जो है वो सम संख्याएं हैं, तो इनका एवरेज कैसे निकाला हमने एन प्लस 1 करके, ठीक है, और दूसरा हमने क्या बताया कि 5 से पहले की, 5 से पहले की, तो 5 से पहले की सबसे बड़ी कौन सी आती है 4, 4 को आपने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया और इसका एवरेज क्या आता है आपके पास 3, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ ओड नंबर्स टिल एन, ठीक है, एवरेज ऑफ ओड नंबर्स टिल एन, कि आपने जो है सपोज आपको कोई नंबर दिया है 56, 56 कोई आपको नंबर दे दिया गया है, 56 आपको एक संख्या दी है और आपको बोला गया है कि 56 से पहले जितनी भी विषम संख्याएं हैं, या आप बोल सकते हैं कि 56 से पहले जितने भी ओड नंबर्स हैं आपने उसकी एवरेज निकालनी है, तो 56 से पहले पहला ओड नंबर कौन सा आता है 55, है ना, 55 से लेके कहाँ तक जाएगा ये 1 तक, है ना, 1 से 55 तक जाएगा नहीं, दूसरी कौन सी होगी यहाँ पे 53, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 1 तक, तो आपको अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, इनको सबको ऐड करोगे, फिर आप देखोगे कि कितने ओड नंबर्स हैं उससे डिवाइड करोगे, तब जाके आपका एवरेज आएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला से आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे एन हम क्या लें, है ना, स्टूडेंट जो है इस 56 को एन मान लेते हैं, लेकिन ये 56 को आपने एन नहीं माना, क्यों नहीं माना है, क्योंकि एवरेज किसका निकालना है हमने, ओड नंबर्स का, और हमको क्या बोला कि 56 से पहले वाली, ठीक है, 56 नहीं, 56 से पहले वाली, और 56 तो सम संख्या है, इसको तो हम वैसे भी नहीं लेंगे, तो 56 से पहले वाली कौन सी है, पहली 55, तो n जो मानेंगे हम किसको मानेंगे 55 को, ना कि 56, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या आ जाएगा इसका 55
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 55 प्लस 1 56 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, तो 56 से पहले जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या हो जाएगा 28। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस पे बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आपको पटवारी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि द फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर। मैंने आपको बताया था इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स होती है सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, है ना, दो से फुली डिवाइड हो जाती हैं। अब आपको क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 इवन नंबर्स। तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि फर्स्ट 25 इवन नंबर्स का अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना है, n प्लस 1। सिंपल सा फॉर्मूला है, n प्लस 1। नंबर्स कितने हमारे पास 25, ऐड कर दिए 1, सिंपल है 26। 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो, 5 सेकंड में नहीं 1 सेकंड में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्याएं, ना? अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ खुद से विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती है। ठीक है, वो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, वो सिर्फ खुद से ही विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती हैं। या हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक वो खुद एक वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू जो है वो एक प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? टू। टू जो है वो सिर्फ टू से ही डिवाइड होता है और किसी से भी डिवाइड नहीं होता। दूसरी थ्री, है ना, फिर उसके बाद फाइव, है ना, नाइन। अगर कुछ स्टूडेंट जो है नाइन को भी प्राइम नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नाइन जो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाइन जो है वो थ्री से डिवाइड हो जाता है। थ्री थ्री से कितने होते हैं? नाइन, है ना। तो नाइन जो प्राइम नंबर नहीं है। फाइव के बाद का प्राइम नंबर कौन सा है? सेवन। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 25। 10 और 25 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपको उसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 और 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने प्राइम नंबर्स आते हैं 10 और 25 के बीच में। पहला प्राइम नंबर आता है हमारे पास 11। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास 13। तीसरा आता है हमारे पास 17। 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 जो है 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 17 जो सिर्फ 17 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 19 के बाद 21। 21 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आएगा हमारे पास 23। तो 10 से लेके 25 के बीच में हमारे पास कितने नेचुरल नंबर्स हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स हैं? 5 प्राइम नंबर्स। अब हमने क्या करना है कि इन 5 प्राइम नंबर्स को ऐड करना है और 5 से डिवाइड कर देना है, और जो भी आंसर आएगा वो इसकी औसत होगी या इसकी एवरेज होगी। तो ऐड करना शुरू करते हैं, 1 और 3 4, 4 एंड 7 11, 11 एंड 9 20, 20 एंड 3 23। 3 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 जो हमने वो सॉरी 2 जो हमने वो कैरी कर दिया। अब इसको ऐड करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 83 जो इनका क्या आ गया है, सम। इन प्राइम नंबर्स का सम कितना आ गया हमारे पास? 83। तो 83 को हमने डिवाइड किससे करना है? 1, 2, 3, 4, 5 जितने नंबर्स हैं उससे हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करना है। 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5 कितने बच रहे हैं आगे? 3, 33 कर दिए हमने। 5 6 ज़ा 30, आगे कितने बच रहे हैं? 3, है ना, 30 के बाद 33 के लिए 3 बच रहे हैं, फिर 5 6 जा, तो आंसर क्या है हमारे पास? 16.6, है ना, 16.6 जो है हमारा आंसर आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि 10 और 25 के बीच में 5 प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, और उन 5 प्राइम नंबर्स के एवरेज कितना है हमारे पास? 16.6। ठीक है, तो हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का, जिन्होंने हिंदी में मैथमेटिक्स पढ़ा है
उन्होंने पढ़ा होगा क्रमिक संख्याएं, ठीक है, जो क्रम में आती हैं एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक संख्याएं जो आती हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स कौन से होते हैं, ओड नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे सपोज 1, 3, 5, 7, ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स, ठीक है, एक के बाद एक आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, ये क्रमिक संख्याएं हैं, क्रमिक विषम संख्याएं हैं ये। अब हमको बोला गया है कि एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स इज 24, ना हमें नहीं पता कि वो चार संख्याएं हैं कौन सी हैं, हमें सिर्फ इतना पता है कि उनका औसत कितना है, है ना। तब हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, सपोज हमने पहला नंबर जो वो लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या ले लिया हमने x, पहला नंबर हमने x ले लिया। अब दूसरा नंबर क्या आएगा, सपोज 3 जो है वो पहला नंबर है, तो दूसरा नंबर कैसे आएगा, 3+2 करके, है ना, 3+2 करके आएगा ना, जब ओड नंबर है तो दूसरा नंबर क्या आएगा हमारे पास x+2, ठीक है, सेकंड नंबर क्या आएगा हमारे पास x+2, है ना, इसी तरह थर्ड आएगा हमारे पास x+4, फोर्थ आएगा x+6, तो 4 नंबर्स ले लिए हमने x+x+2+x+4+x+6, है, तो इनका एवरेज निकालना है हमको 4, और इनका एवरेज किसके इक्वल दिया हमें 24 के इक्वल, ठीक है, इनका एवरेज किसके इक्वल दिया हमने 24 के इक्वल। अब आपने 4 को जो है दूसरी साइड ले जाना है और इन x को ऐड करना है, 1, 2, 3 एंड 4, कितने x है यहाँ पे हमारे पास 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी जो नंबर्स हैं डिजिट्स हम उनको काउंट करेंगे, 2 एंड 4 6, 6 एंड 6 12, आ गया 12, ये डिवाइड में क्या था हमारे पास 4 और इक्वल टू क्या था हमारे पास 24, ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, 4 को हम दूसरी तरफ ले गए, जब हम 4 को दूसरी साइड लेके गए तो ये बना कुछ इस तरह से, 4x+12 = 96, है ना, 4 को 4 यहाँ पे डिवाइड में है, जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा, तो 24 चौके कितने होते हैं 96, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से यहाँ को लेके जाते हैं, ठीक है, 4x को हम इसी साइड रहने देंगे, 12 जो यहाँ पे एडिशन में है जमा हो रहा है, दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 4x = 96 - 12, 4x = 84, और x क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, ठीक है, x क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 को जब डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 21, तो x क्या आ गया हमारे पास 21, तो 21 के हमारे पास सबसे छोटा नंबर है, पहला नंबर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 21, समझ गए, तो दूसरा नंबर क्या आएगा कॉन्सिक्यूटिव है, तो 21 के बाद दूसरा नंबर क्या आएगा 23, तीसरा नंबर क्या आएगा 25, और चौथा नंबर क्या आएगा 27, ठीक है, ये जो हमें 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आ गए, ये वो 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है जिनका एवरेज जो हमारे पास कितना है 24। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर है 27, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, एटमोस्ट हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 0, 20 नंबर का एवरेज 0 कब हो सकता है, जब उन 20 नंबर्स के बीच में कुछ नंबर जो हो वो नेगेटिव हो और कुछ पॉजिटिव हो, है ना, तभी जो 20 नंबर का एवरेज 0 हो सकता है, कैसे, अब 20 नंबर्स हैं हमारे पास, सपोज 20 के 20 पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनका जो सम है वो 0 कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ नंबर जो हमारे पास पॉजिटिव आएंगे, कुछ नंबर जो हमारे पास नेगेटिव आएंगे। अब इसमें सपोज आपने यहाँ तक देखा है ना, सिर्फ फर्स्ट लाइन की एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, ठीक है, आगे वाला भूल जाओ फिलहाल आप, ठीक है, इतना ही देखो कि एवरेज ऑफ 20 नंबर इज
जीरो, कि 20 संख्याओं का जो औसत है वो जीरो है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे केस बन सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास 8 नंबर ऐसे हों, ठीक है, जो पॉजिटिव हों, 12 नंबर ऐसे हों जो नेगेटिव हो, है ना। सपोज हमारे पास 8 नंबर हैं, 8 जो हमारे पास कौन से नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स, 8 हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, 8 पॉजिटिव नंबर का सम 138 आ गया। सपोज मान लिया आपने, कुछ भी मान लिया, ठीक है, लॉजिक देखना है आपने सिर्फ, 8 पॉजिटिव नंबर्स का सम आ गया 138, और यहाँ से हमारे पास जो 12 नेगेटिव नंबर्स आए, जो 12 नेगेटिव नंबर्स आए उनका सम भी कितना आ गया 138, लेकिन वो नेगेटिव है तो वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो 138 माइनस 138 जीरो डिवाइडेड बाय 20, है ना। तो 8 नंबर ये, 12 नंबर ये, इनका जो सम जब इक्वल होगा तो इनको जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इनका सम कितना आ गया, जीरो आ गया। जीरो को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एटमोस्ट हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन जीरो, कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो जीरो से बड़े हैं। तो जीरो से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, है ना। जीरो से आगे जैसे ये जीरो है, तो जीरो के आगे क्या था, 1 2 3 4, तो जीरो से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। जीरो से पिछली साइड कैसा होता है, -1 -2, है ना। जीरो से पीछे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि एट मोस्ट हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन जीरो, कि कितने नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जो जीरो से ज़्यादा हों, है ना। तो इसमें आपका आंसर आएगा 19। 19 कैसे आएगा, सपोज 19 पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना। 19 पॉजिटिव नंबर का सम कितना है आपके पास, 156, कुछ भी मान लिया। 19 पॉजिटिव नंबर का सम 156 है, वो जो 20th नंबर है आपका सपोज वो है -156, है ना। ये किसका सम है, 19 पॉजिटिव नंबर्स का, और जो 20वां नंबर है वो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इनकी एवरेज क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, है ना। अगर आपसे पूछा होता एटमोस्ट की जगह, यहाँ पे एटमोस्ट की जगह आपसे पूछा होता कि मिनिमम कितने जो है आपके पास, है ना, मिनिमम जो आपके पास कितने पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, या मिनिमम कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो जीरो से बड़े हों, तो मिनिमम में आपका आंसर आना था 1, है ना। एक नंबर है जो 156 है, और हो सकता है जो बाकी के 19 नंबर है उनका जो सम है वो -156 हो। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, सोच 20 नंबर्स का पूछा है आपने, तो 20 से कम कर देना आपने, है ना, 19 आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा गया है कि मिनिमम पूछेंगे, मिनिमम, तो मिनिमम में आंसर आना था आपका 1, और मैक्सिमम में आंसर आना है आपका 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 6 and 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। 6 और 34 के बीच में आपने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, या आप बोल सकते हैं कि 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, या आप बोल सकते हैं कि जो नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं, है ना, 6 से 34 के बीच में। अब 6 से लेके 34 के बीच में, है ना, 6 से लेके 34 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो 6 तो डिवाइड नहीं होता 5 से, 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा आपके पास, 10, है ना। 10 के बाद क्या आता है, 15, फिर क्या आएगा आपके पास, 20, फिर नेक्स्ट आएगा 25, है ना, नेक्स्ट आएगा 30। 5 से हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर है जिसके एंड में 5 या 0 दिख जाए वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी का एक यही मेथड है कि आप, मतलब आपके पास कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया आपका, ठीक है, और आपको ये पता करना है कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपने सिर्फ लास्ट नंबर देखना है। अगर वो नंबर 0 है या 5 है तो वो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये नंबर है 10, 15, 20, 25 और 30, ये 5 नंबर्स आ गए 6 और 34 के बीच में जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। अब इनका आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन 5 के 5 नंबर्स को ऐड कर देना है। इन 5 के 5 नंबर्स को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 10 + 15, 15 + 20, 20 + 25 और 25 + 30। 5 से डिवाइड कर रहे हो आप, इनका सम क्या आएगा, 0, 5 and 5, 10। जो वंस प्लेस के हैं उनको आपने इस तरह से ऐड कर देना है, कितना आ गया, 5 and 5, 1, एक कैरी बच गया, कैरी को आपने ऐड कर देना है,
वन एंड थ्री, फोर फोर एंड टू, सिक्स सिक्स एंड टू, एट एट और वन, नाइन नाइन और वन, तो ये आ गया आपके पास 100। इन पांच नंबर्स का जो सम आया, इन पांच नंबर का जो योग है वो है आपके पास 100। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 और 0 ऐसे ही, तो वो पांच नंबर्स जो 6 और 34 के बीच में आते हैं और जो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं, उनका औसत क्या है हमारे पास 20। सी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये एक आपके पास एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये आपकी दो तीन स्टेटमेंट्स है, तो इनको देख के आपने डरना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हमसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछा क्या गया आपसे कि एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, तीन पर्सन है आपके पास जिनका एवरेज वेट कितना है 56 है, ठीक है। तो तीन पर्सन है, सपोज हमारे पास ए, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, पर्सन कितने हमारे पास तीन, उनका आपको औसत दिया गया है कितना है 56 जो आपको कितना दिया गया इनका औसत, ठीक है। तो अब इनकी जो एज है ए बी और सी, इनका सम क्या होगा, सम कैसे निकालते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी, और थ्री को हम इस साइड ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिक्स थ्री ज़ा 18, फाइव थ्री ज़ा 15 और वन 16, ठीक है। इन तीनों पर्सन्स की जो एज है उसका सम कितना हमारे पास 168। सम तो हमें पता है, योग तो हमें पता है कि इन तीनों की एज का योग जो है हमारे पास 168 है, लेकिन हमें अभी तक इनकी पर्टिकुलर एज पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है कि एक फोर्थ पर्सन और आता है, फोर्थ पर्सन है कोई डी, वो आता है, उसके आने के बाद क्या होता है कि चार लोगों की एवरेज कितनी हो जाती है, अब 50, चार लोगों की एवरेज 50 होगी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो उनकी एज का जो है सम कितना हो जाएगा हमारे पास 15 टू 4 कितना होता है 50 चौके 100, ठीक है। 50 को आपने क्या कर देना है, जो आपके पास एवरेज एज दी है उसको आपने टोटल नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसा आपने बार बार नहीं लिखना है ना, सॉरी यहाँ पे डी है ना, ठीक। अब देखिए तीन पर्सन की टोटल एज कितनी है 168, तीन पर्सन की टोटल एज है हमारे पास 168, तीन पर्सन की एवरेज एज 168 है, और जब फोर्थ ऐड किए हमने तो वो कितनी होगी 200। अब हम इससे क्या कर सकते हैं कि डी की हम पर्टिकुलर एज जो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डी की पर्टिकुलर एज कैसे निकालेंगे हम, 200 में से 168 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 200 में से जब हम 168 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी की एज कितनी आ गई 32, ठीक है। डी जो नया पर्सन आया है वो 32 साल का है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है कि एक और पर्सन आता है ना, एक और पर्सन आता है जिसका नाम है ई, ठीक है, जिसका वेट जो है वो डी से 6 किलोग्राम ज़्यादा है, तो डी जो है 32 किलोग्राम का है तो ई कितना होगा, 32 और 6 कितने होते हैं 38, इतनी एडिशन तो आती है आपको कि 32 और 6 कितने होते हैं 38। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नाउ फाइंड द एवरेज वेट ऑफ डी एंड ई, अब डी और ई का आपने क्या निकालना है, एवरेज वेट निकालना है, तो डी और ई का एवरेज वेट कैसे निकलेगा, पहले आपने क्या करना है, डी और ई की जो एज है उसको प्लस कर देना और डिवाइड करना किससे, 2 से, क्योंकि 2 पर्सन की बात हो रही है तो डिवाइड हम सिंपली 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना है हमारे पास 38, प्लस में आया 32 डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये आ गया आपके पास 70 डिवाइडेड बाय 2 है ना, 70 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 35, तो ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन जो हो राइट ऑप्शन हो। नेक्स्ट ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हैं, ये क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं और कमेंट सेक्शन में जाके आपने बताना है कि इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज इज 25 ईयर्स, है ना, जब एक है ना, जब एक हस्बैंड और वाइफ की मैरिज हुई तो उनकी एवरेज एज कितनी थी 25, है ना,
मीन्स उनकी एवरेज एज का सम कितना होगा, 25 इंटू टू, क्योंकि दो पर्सन है तो हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 आ गया। नेक्स्ट बोला है कि आफ्टर टू ईयर्स अ बेबी वॉज बॉर्न, है ना, दो साल के बाद जो है उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है। नाउ फाइंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द टाइम व्हेन बेबी वॉज बॉर्न, तो आपने उस टाइम जो है वो एवरेज निकालनी है फैमिली की जिस समय बेबी जो है वो पैदा हुआ। तो अब एवरेज जो निकलेगा तो फैमिली के एवरेज में अब कितने पर्सन है आपके पास, पहले दो थे अब कितने हैं, तीन है, है ना। तो आपने इसको सॉल्व करना है और बताना है कि आंसर क्या आता है। नेक्स्ट है फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 ओड नंबर्स, ठीक है, पहले 200 ओड नंबर्स या पहली 200 जो विषम संख्याएं हैं उनका आपने एवरेज निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, है ना, आप वहां से देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, एक सेकंड में इसका आंसर आना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है फाइंड एवरेज ऑफ इवन नंबर्स कम्स बिफोर 67, है ना, कि एवरेज 67 से पहले कितने ऐसे इवन नंबर्स आते हैं, है ना, जिनका एवरेज, कितने ऐसे इवन नंबर्स आएंगे 67 से पहले उनका आपने एवरेज निकालना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने एक पीछे किया भी है, है ना, तो आपने ये क्वेश्चन भी करना है और आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स रहे हैं, है ना। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एवरेज में कुछ और सीखने की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कीजिए, हम एक और सेशन लेके आएंगे एवरेज से रिलेटेड, है ना। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।